तो गाइस आपको शॉर्ट्स का मैं मटेरियल बता देता हूँ। आपको अपनी बड़ी वाली प्रोफाइल और आपको ये छोटी वाली प्रोफाइल दोनों का आपको इमेज चाहिए। आप इनको क्रॉप करके आप ले सकते हो इन दोनों का इमेज। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। गाइस ये जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हो तो आप इसको काफ़ी ज़्यादा इजीली से आप इसको शॉर्ट्स को बना सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसा है। जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप इसको बहुत ज़्यादा इजीली इसे बना सकते हो अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो। तो चलिए आपको सबसे पहले आपको इस वाली लेयर पे चले जाना है, फिर आपको कैरेक्टर ट्रांसपेरेंट में जाने के बाद कलर एंड फिल में जाना है, फिर आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इस पे क्लिक करना है, फिर आपको जो कैरेक्टर का है PNG वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप उनको बना भी सकते हो खुद को इमोट करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा PNG जो है इधर ऐड हो चुका है। फिर आपको इधर टेक्स्ट पे क्लिक करना है, आपको एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है, फिर एक बार इधर आपको खाली स्पेस में टैप करना है, फिर ये सभी में आ जाएंगे। फिर आपको पहले पे क्लिक कर रहे टेक्स्ट में जाना है, एडिट टेक्स्ट में, और यहाँ पे आपको कुछ भी लिखना है। मैं एग्जांपल के लिए फ्री फायर लिख देता हूँ, तो फ्री फायर। अब आपको ऊपर से जो राइट का ऑप्शन है वो क्लिक कर देना है, फिर आपको दूसरे पे जाना है, फिर आपको एडिट टेक्स्ट वापस से जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे भी वही वर्ड लिखना है जो आपने पहले वाले में लिखा था। आप यहाँ पर सिंपली जो है अपने चैनल का नाम लिख दीजिएगा, जो भी आपका चैनल का नाम है। तब तक मैं यहाँ पे फ्री फायर लिख देता हूँ। तो ऊपर राइट पे वापस से क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पे फिर ऊपर जो कैरेक्टर का ऑप्शन आपको दिखेगा उस पर क्लिक करने के बाद आप बैक आ जाओगे। तो यहाँ से फिर आपको क्या प्रोफाइल में जाना है, आपकी जो मेन प्रोफाइल होगी गाइस बड़ी वाली वो आपको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेनी है। गाइस देखिए मैं कर लेता हूँ जल्दी जल्दी से इंपोर्ट। तो गाइस मैंने यहाँ पे ये जो इंपोर्ट कर चुकी है, और गाइस फिर यहाँ पे आपको तीन बार ये करना है, क्योंकि देखो दो बार नीचे भी प्रोफाइल का ऑप्शन है। गाइस आपको यही वाली जो प्रोफाइल है ये आपको दो बार और करनी है इधर। तो मैं जल्दी जल्दी से इसको कर लेता हूँ। आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल में, फिर इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और आपको वो वाली प्रोफाइल ले लेनी है जो आपने पहले ली थी, मतलब मेन प्रोफाइल जो आपकी बड़ी वाली है वो आपको ले लेने के बाद आपको जो तीसरा वाला प्रोफाइल का ऑप्शन आपको उस पर भी सेम ऐसे ही कर रहे हैं, तो आप इसको ईजीली से आप ले पाओगे। मैं इसको जल्दी से कर लेता हूँ। मैंने गाइस यहाँ पे जो कर चुका है, अब आपको जो है नेक्स्ट वाला यहाँ पे ओपन, मतलब ओपन ही आपको नेक्स्ट में थोड़ा आपको स्लाइड करना है। ऊपर जो है आपको एक प्रोफाइल FF का ऑप्शन आपको दिखेगा, तो आपको उसके ऊपर जो है क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे कलर एंड फिल में जाने के बाद इस वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, और फिर आपको आपकी जो छोटी वाली प्रोफाइल है वो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेनी है। मैं सिंपली से इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो गाइस मैंने जो ये इंपोर्ट कर लिया, आपको इधर से सिंपली से यहाँ पे बैक कर देना खाली स्पेस पे टैप करके। तो गाइस मैंने भी बैक कर दिया। तो आपको जो एक कैरेक्टर ट्रांसपेरेंट का आपको जो ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको इस पर क्लिक करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। फिर आपको कलर एंड फिल में जाने के बाद सिंपली से आपको ये आपका जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर का PNG वो आपको सिंपली से इधर लेके आ जाना है। आपको जो ये काम तीन बार और करना है, मतलब कि टोटल आपको ये कैरेक्टर आपको चार बार लेके आने हैं। मैं जल्दी जल्दी से ये जो एक सब कैरेक्टर का PNG ये वाला PNG आपको ऐड करना है। मैं जल्दी जल्दी सारे कैरेक्टर्स का PNG ले आता हूँ। तो गाइस बाकी आपको जितनी भी लेयर्स मिलेगी आपको उन सारे लेयर्स में यही वर्क आपको करना है जो मैंने अभी पिछली लेयर में जो करा है, वो सारा वर्क आपको बाकी की सब लेयर्स में कर देना है।
तो गाइस आपको सारे कैरेक्टर्स का पीएनजी और वगैरह जो आपकी मेन प्रोफाइल है आपको वहाँ पे अपनी बड़ी वाली प्रोफाइल जो ऐड कर देनी है। तो आपको फिर सिंपली से इधर से इसको कर लेना एक्सपोर्ट। तो फिर गाइस आपको जो है मेरा एक और आपका शेक का प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा गाइस, वो भी आपको इम्पोर्ट कर लेना है सिंपली से। और फिर आपको ऊपर बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इधर से बैक कर देना है। पहले एक मिनट आप देख लीजिए कि कैसे। फिर आपको बैक कर देने के बाद आपको 9:16 की रेशियो का आपको एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। फिर आपको वो जो क्रीप आपने पहले एक्सपोर्ट की थी लाइट मोशन से वो आपको इधर ले लेनी है। तो वैसे आपको अब जो है ट्रिम लगाने हैं जहाँ जहाँ पे भी आपका जो कैरेक्टर्स है वो चेंज होता है। मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पर जो ट्रिम लगा देता हूँ भाई। सबसे पहला ट्रिम आपका आएगा 3.22 सेकेंड पे, और गाइस उसका नेक्स्ट जो ट्रिम है वो आपको लगाना है 6.5 सेकेंड पे। गाइस आपको उसका जो ट्रिम है वो लगा दे रहे हैं। और गाइस आपका जो नेक्स्ट ट्रिम है वो आने वाला है, वो आने वाला गाइस आपका 8.26 सेकेंड पे। गाइस 8.24 सेकेंड पे गाइस आपको जो है वो ट्रिम लगा देना है। उसके बाद से आपको मेरा प्रोजेक्ट ले लेना है वापस से, ये वाला शेक वाला। और फिर आपको पहले वाले के इफेक्ट्स आपको इधर से कर लेना है कॉपी। फिर आपको इधर से कर देना है बैग जो मेरा प्रोजेक्ट है आपको वो ओपन, अपना जो प्रोजेक्ट है वो आपको ओपन कर लेना है। फिर आपको जो ये आपने ट्रिम लगाया ना, हर ट्रिम में आपको छोटा छोटा सा एक स्प्लिट एक और लगा देना है। फिर छोटी लेयर बन जाएगी, आपको इसके ऊपर पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो गाइस सब पे आपको एक बार ऐसे ही कर देना है। तो आप देख लीजिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ, फिर आप भी कर लीजिए, आप भी कर लीजिएगा, फिर आपको भी शॉर्ट जो है वो वायरल हो सकता है। तो गाइस देख सकते हैं कि मैंने सब पे पेस्ट इफेक्ट इधर जो है कर लिया है। तो आपको यहाँ से अब सिंपली इसको कर देना है एक्सपोर्ट। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए शॉर्ट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।